Perfect. Perfect. नमस्कार दोस्तों, AS Vlogs के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोहित शशांक। तो दोस्तों, आप लोग की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि स्कॉर्पियो का कलेक्शन दिखाइए, लखनऊ में दिखाइए। तो बहुत दिन बाद लखनऊ का वीडियो आ रहा है। बहुत मुश्किल से स्कॉर्पियो का कलेक्शन लगवाया है। मेरे तरफ देखेंगे तो इस साइड भी स्कॉर्पियो लगी हुई है, इधर भी स्कॉर्पियो लगी हुई है, उस तरफ भी स्कॉर्पियो है। तो एक नहीं, दो नहीं, तीन स्कॉर्पियो दिखाएंगे और क्रेटा भी दिखाएंगे। स्कॉर्पियो जिस प्राइस रेंज में है वो बहुत ही बढ़िया लगेगी, क्योंकि इस समय इसकी रीसेल थोड़ी हाई है। कोशिश करेंगे आपको अच्छे दामों में दिलाएं। और इस वक्त हम खड़े हुए हैं संजय कार सेल्स, जहां पर हमारे वीडियो अक्सर आते रहते हैं। बहुत सारे वीडियो हैं, आप चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले यही गुजारिश कि चैनल पे जो भी पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबाकर ऑल सेलेक्ट करिएगा, तभी आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलेगी। और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ जाइए, ताकि वहाँ पर जो भी हम अपडेट डालें आप पहले से ही आप लोग को पता चल जाए कि हम किस कार बाज़ार में अगला वीडियो डालने वाले हैं। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ के ओनर को बुला लेते हैं। लेकिन उससे पहले वो नाम जिन्होंने हमारे वीडियोज़ पर बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट किए, वो डिस्प्ले पर ये रहे। भैया वेलकम टू AS Vlogs। क्या हाल है? बस दुआएं आपकी। दुआएं हैं। आज ये कलेक्शन कहाँ से ले आए? अरे बस आप ही की तो रिक्वेस्ट थी, स्कॉर्पियो लाइए, स्कॉर्पियो लाइए। अब बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो हमने भी भैया से रिक्वेस्ट किया, स्कॉर्पियो लेके आए हैं। कोशिश करेंगे अच्छे बजट में दे दें। ठीक है ना, पुरानी गाड़ी है, सिस्टम से ही मिलेगी, सिस्टम से मिलेगी, लेकिन न्यू कार भी है, महंगी आती है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और इस गाड़ी की पहली बात तो भैया UP 32 है जी, लखनऊ नंबर है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, फर्स्ट ओनर है। ओके, चल जाती है, डीजल गाड़ियाँ हैं, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। कितना चल गई है? 1,800 किलोमीटर। 1,800 किलोमीटर, ठीक है। अपने यहाँ भैया मीटर से कोई छेड़छाड़ तो नहीं किया जाता है? अब नहीं होता है, जागरूक जमाना आएगा। हाँ, हर चीज़ बिल्कुल आईने की तरह रखना पड़ता है। बिल्कुल, अगर आईने की तरह नहीं होगा तो दिक्कत आ जाएगी। हाँ। तो मतलब चीज़ देंगे, अच्छी देंगे। हाँ। हो सकता है 10,000-20,000-50,000 महंगी मिल लगे लोगों। हाँ। को है ना। अब ये S सीरीज़ का कौन सा वेरिएंट है? S सीरीज़ का उस दौर का सबसे टॉप मॉडल है, S10 है। हाँ, S10 2016 मॉडल है। हाँ। S10 है, फर्स्ट ओनर, उस समय का टॉप एंड वेरिएंट है, फर्स्ट ओनर है। 1,800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर अभी चली हुई है, अभी चली हुई है, ठीक है। और नंबर भी बढ़िया है, 7009, 2016 है। पीस पूछेंगे भैया हमने, कितने पीस टचअप हुए होंगे? ये जो राउंडिंग नहीं होती है, ठीक है, बम्पर ये बाहर निकला रहता है, इसी पे स्क्रैच लग जाते हैं, बाकी ये सब तो बॉडी अंदर होती है, बाकी बढ़िया है। हाँ, और ठीक है, ठीक है। एयरबैग सब, बाकी सब तो है ही है, बाकी बढ़िया कंडीशन में गाड़ी है। आप अंदर से बाहर से सिनेमेटिक देख रहे होंगे, अच्छी कंडीशन में गाड़ी है। स्कॉर्पियो S10 2016, फर्स्ट ओनर, 1,800 किलोमीटर चली हुई है। बढ़िया सी भैया प्राइसिंग बताइएगा। 1090 डिमांड रखी है। 1090? कम करेंगे? हाँ, और क्या भाई, कम तो करेंगे ही, और कराइएगा भी आप, और थोड़ा बहुत हमारा रेफरेंस दीजिएगा। हाँ। भैया नाखुश नहीं करेंगे, बस बेफिक्र हो गए। पहले गाड़ी का नंबर नोट करिएगा, फिर इधर लखनऊ की तरफ आइएगा, चेक करा के आइए, चेक करा। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अपने पास कहा कि आज स्कॉर्पियो कई हैं, तो एक नहीं, दो नहीं, तीन हैं, तीनों की डिटेल देंगे। अब ये गाड़ी भी UP 32 HA 3600, नंबर भी बहुत प्यारा है, 3600 सीरीज का नंबर, अच्छा है, अच्छा नंबर है। अब इसकी डिटेल दे दीजिए, कौन सा मॉडल है? ये भी 16 की S10 है, S10 है, 96,000 चल गई है, 96,000 डीजल पे। भैया पूछेंगे हम माइलेज, ये स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी क्या देती होगी? 10 से 12 का आता है, इनमें माइलेज तो आदमी कोई पूछता नहीं, पूछता नहीं, रख रहा है। हाँ हाँ, वो एक अलग ही होगा आदमी, ठीक है। अभी इनके लिमिटेड कस्टमर हैं, जो जैसे चुनाव वनाव लड़ रहे हैं, या ठेकेदार हैं, या जिनका शौक है SUV पे, इंडियन SUV लें, दमदार। थोड़ी इसकी डिमांड इसलिए बढ़ गई है, जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हुआ है, हाँ हाँ, तब से जो है सबसे बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, ठीक है। तभी मुश्किल भी हो गया है लखनऊ में, हमने बहुत जगह रिक्वेस्ट किया कि स्कॉर्पियो लेके आइए, यहाँ पर बड़ी मुश्किल से 3 स्कॉर्पियो लेके आए हैं।
अब इसकी भी भैया 2015 आपने बताया, ये 16 है, ये भी 16 है, ये भी 16 है, S10 ही है, हाँ, S10 है, ये कितना चली, 96,000, ये 96, इसमें भी पूछेंगे कुछ पे पेंट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि ये जो टायर लगे हैं ये ओरिजिनल टायरों पे है, ओरिजिनल, हाँ, ये ठीक है, आप थोड़ा सा आगे आइए, अब देखिए जो कहा है कि टायर आप देखिए तो जितना चली है अभी ओरिजिनल टायर, ओरिजिनल टायरों पे, तो इसको चेंज कराना पड़ेगा, हाँ भाई, दो आगे के तो जरूर है, पीछे वाले अच्छे हैं, पीछे वाले अच्छे हैं, ठीक है, पीछे वाले के भी हम दिखा देंगे, आगे के टायर अच्छे होना चाहिए, बड़ी गाड़ी में टायर का ही मेन हो जाता है, ठीक है। अब ये गाड़ी 96,000 चली हुई, 2016 S10 ही है, क्या डिमांड करेंगे, डिमांड इसकी भी वही रहती है, वही 90 इसकी डिमांड है और अच्छी गाड़ी है, अच्छी है, ठीक है। तो मतलब आपके पास ऑप्शनल लेने बैठे बातचीत के जरिए सारे मसले हल होते हैं, हल होंगे, और आगे बढ़ते हैं, और स्कॉर्पियो हैं, और सारी S10 ही थी, अभी इसकी भी पूछेंगे ये कौन सा वेरिएंट है और कौन सा मॉडल है, भैया इसकी डिटेल दीजिए, ये स्कॉर्पियो की, ये भी S10 है, S10 ही है, मॉडल जो है S10 है, ठीक है, 15 मॉडल है, 90,000 ये भी चली, 90,000 ये भी, ठीक है, मीटर कोई बैक तो नहीं कराया, नहीं होता है, ठीक है, पहले भैया बताते थे कि पहले मीटर बैक होता था, लेकिन अब नहीं कराते हैं, ईमानदारी अच्छी चीज़ है, जो चीज़ मिले वो एक्यूरेट एकदम एक्चुअल जैसी थी, कस्टमर से ली थी वैसे ही आपको मिले, सही, सही। पार्टी को बैठा लें, जो भी डील हो ले जाएं। अब 2015 आपने बताया, ये कितनी 90,000 चली हुई है, S10 ही है, S10 है, इसमें पेंट की कंडीशन क्या है, राउंडिंग हुई है इसकी भी, इसकी भी राउंडिंग हुई, राउंडिंग, ठीक है, तो मतलब बीच वाली की पूरी ओरिजिनल है, और बाकी इन दोनों में बम्पर टचअप हुआ है किनारे का, बाकी कंडीशन लड़ी भिड़ी तो नहीं है भैया, नहीं नहीं कहीं से लड़ी भिड़ी कोई गाड़ी नहीं रखी जाती, कोई नहीं रखी जाती, बाकी आप मैकेनिक लाएं, चेक कराएं, संतुष्ट हो तब डील लगाएं। सबसे अच्छा तरीका ये है, गाड़ी की नंबर प्लेट का फोटो आप लीजिए, किसी भी महिंद्रा के वर्कशॉप चले जाइए, बिल्कुल पूरी डिटेल पता चल जाएगी, रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, पता चल जाएगा लास्ट सर्विस कब हुई है, बाकी डॉक्टर के पास जाएंगे तो दवा जरूर लिखेगा, किसी मिस्त्री को लाएंगे तो न्यू कार में भी कोई ना कोई ऐप निकाल देगा, मिस्त्री किस बात का, बहुत सही है, कहने का मतलब है वहाँ जाएंगे तो थोड़ा बहुत कमी बताएगा, आप बिल्कुल फिट है, किसी डॉक्टर साहब पास चले जाइए, कभी हल्का सा चक्कर आ रहा है दवा जरूर लिखेगा, वही चीज है, ठीक है। अब इसकी भैया फाइनल प्राइसिंग क्या करेंगे, 10.5 हम लोग चाह रहे हैं, 10.5 चाह रहे हैं, मुँह मांगे तो मौत मिलेगी, मतलब नेगोशिएबल प्राइस है, और आगे बढ़ते हैं, क्रेटा कहाँ से ले आए भैया, क्रेटा यही लखनऊ की है, लखनऊ की गाड़ी है, ठीक है। अब भैया इस क्रेटा की डिटेल दे दीजिए, ये 2017 मॉडल है, 17 है, 17 मॉडल है, 1.6 इंजन पे, ठीक है, 1.6 है, SX है, SX है, ठीक है, टोनर है, ओके, 70,000 किलोमीटर चली, 70 चली है, डीजल है, कोई इसके लिए मायने नहीं रखता जी, डीजल है, डीजल पे भैया 1.6 यानी 1600 cc का इंजन है, क्या माइलेज होता होगा इसका, अरे मान लिया हुंडई गाड़ी में थोड़ा सा कम आता है, लेकिन 16 का आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा, हाँ, ठीक है, 16 का मिल जाएगा, क्रेटा है, SX है, टॉप एंड वेरिएंट है, इसके ऊपर ऑप्शनल आता था, जी हाँ जी हाँ, ठीक है, मतलब बाकी ये की वाली है और एक आती ऑप्शनल पुश बटन आता है, बाकी एयरबैग सब कुछ है, क्रूज कंट्रोल सब कुछ है, बचा नहीं गाड़ी में जो रखा जाए, अच्छा पेंट क्या क्या है, पूरी ओरिजिनल गाड़ी है, पूरी ओरिजिनल है, ठीक है, पूरी ओरिजिनल है, इसमें ब्लैक क्लैडिंग लगी रहती है, तो थोड़ा सा मतलब स्क्रैचेस का झाम कम हो जाता है, है ना भैया, और हल्का फुल्का अगर लग जाए तो फिर मजबूरी में पेंट कराना ही पड़ता है, लेकिन अभी ये प्रेजेंट टाइम में जो है ओरिजिनल है, आपने 70 बताया, हाँ 70 चलिए, ठीक है। अब भैया क्रेटा आपने पूरी डिटेल दे दी, फाइनल हम पूछेंगे अच्छी सी प्राइसिंग क्या देंगे, 10.5 हम लोग चाह रहे हैं, 10.5 स्कॉर्पियो की रेट में, हाँ क्या करिए, न्यू कार ये भी तो महंगी है, महंगी है और बहुत डिमांड में है, आज आप लेने जाइए तो 5 महीने की वेटिंग चल रही है, ओके नए शेप में, हाँ फिलहाल हम चाहेंगे कि इसमें थोड़ा सा नेगोशिएट अच्छे से कर दीजिएगा, हमारे व्यूअर जो दूर दूर से आते हैं उनको निराश नहीं होना, जी अरे सबका आपका सम्मान रखा जाएगा, ठीक है। अब आइए, अपने पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, इस गाड़ी को पहली बार हम कवर कर रहे हैं, ये कौन सी गाड़ी है, ये स्कोडा की, स्कोडा कंपनी की यति है, ठीक है यति है, अब इसकी भी भैया पूरी डिटेल दीजिए, कौन सा मॉडल है, कौन सी ओनरशिप है, कितना मेरा मॉडल है, ओनर सेकेंड है, सेकेंड ओनर है, हाँ ओनर सेकेंड है, लेकिन चली 38,000 है, 38,000 स्टेपली जब से गाड़ी ली है, भला 7 साल हो गए अभी जमीन पे नहीं आई है, अच्छा मतलब चली कम है, हाँ बहुत कम, सेकेंड ओनर हो गई है, गाड़ी की एक खास बात और भी है, ये पूरी गाड़ी अभी तक ओरिजिनल पेंट पे है, कुछ भी बम्पर वम्पर भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, चलिए आपने 38 बताया, हाँ फर्स्ट सेकेंड ओनर है, हाँ ओनर सेकेंड है,
वेरिएंट कौन सा होगा, टॉप एंड है, सेकंड टॉप है? टॉप एंड है, 8 एयरबैग वाली। अब भैया आपने डिटेल सारी दे दी, पूरी बताया कि पेंट बिल्कुल नहीं है, 2013 है, सेकंड ओनर है, यति है, एलिगेंस टॉप एंड वेरिएंट है, क्या डिमांड करेंगे इसकी? 4,25,000 रुपये। 4,25,000 थोड़ा बहुत गुंजाइश होती है? बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, बस उम्मीद तो रखी जाती है। उम्मीद तो रखी जाती है, थोड़ा बहुत कम कर देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग भैया हम जैसे कहते हैं कि मारुति जैसा रिलायबल इंजन चाहते हैं और 7 सीटर का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। फिर 7 में तो एक ही गाड़ी आती है, आर्टिका। आर्टिका बहुत डिमांड है इस टाइम, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग गाड़ी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग गाड़ी है, आर्टिका है, और अपने पास खड़ी भी है, पीछे भी है, वो बाद में कभी दिखाएंगे। अभी ये वाला कलर दिखाते हैं भैया, इस गाड़ी की डिटेल दी आर्टिका की। ये 2014 मॉडल की है, VDI 2014 की VDI। ठीक है, 229F लखनऊ का ही नंबर है। ओनर सेकंड है, सेकंड ओनर है। ओनर सेकंड है। वेरिएंट कौन सा होगा? VDI VDI। ओके, यानी सेकंड टॉप है, डीजल है, डीजल पे माइलेज भैया इसका क्या होगा? अरे बहुत अच्छा आता है, 18-20 का माइलेज आता है, तभी तो ये बहुत चल रही है गाड़ी। पहले लोग इनोवा कहते थे, अब जो है सिर्फ आर्टिका डिजायर, क्योंकि 7 सीटर का ऑप्शन और ये माइलेज वाला कोई है ही नहीं। जी है, कोई 18-20 देने वाला 7 सीटर कोई नहीं है ना, कोई। और मारुति जैसा रीसेल भी लोगों को मिल जाता है, 24 कैरेट सोना है, रात में नाम रखिए, सुबह कोई ना कोई आ जाता है, आ जाएगा। अब इसके पीस कितने पेंट होंगे भैया? ये छत छोड़ के पूरी गाड़ी पेंट हुई है, पूरी पेंट हुई है। जरूरी नहीं है कि गाड़ी लड़ी है वो पेंट हुई हो, हल्के फुल्के स्क्रेच लग जाते हैं, ठीक है, इसलिए पेंट करा देते हैं। ओके, चलिए कितना बताया आपने? 1,00,000। हाँ, 1,00,000 एक के आसपास। क्या डिमांड करेंगे? ये 5,50,000 रुपये। 5,50,000 में आपको आर्टिका मिल रही है, 2014 की, 2014 की VDI है। टायर पर सब नए डल गए, नए। अभी प्रेजेंट टाइम में पार्टी को कुछ भी कराना नहीं है सर्विस के अलावा, अपने सर्विस 10,000 रुपये कराता रहे बस, चला। ठीक है, नेगोशिएबल प्राइस है 5,50,000 आर्टिका, 2014 सेकंड ओनर गाड़ी VDI। अब भैया हमने सारी गाड़ी दिखा दी, स्कॉर्पियो भी दिखाई, क्रेटा भी दिखाई, यति दिखाई, आर्टिका दिखाई। अब इनमें बहुत सारे लोग चाहेंगे कि फाइनेंस है कि नहीं है, तो फाइनेंस की डिटेल बैंक से करा देते हैं। करा देते हैं? हाँ हाँ। कहाँ कहाँ के लिए फाइनेंस अवेलेबल है? सभी शहरों के लिए, पूरे यूपी के लिए है। सभी शहरों के लिए करा रहे हैं, मतलब पूरे यूपी के लिए अवेलेबल है। हाँ, एक देश एक कानून, सभी जगह के लिए है। लेकिन बिहार झारखंड के लिए है? नहीं, यूपी के लिए। हाँ, यूपी के लिए। ठीक है, यूपी के लिए है। कौन से मॉडल से फाइनेंस शुरू होता है? 12 से 13 से 14 से 13 से। ठीक है, मोटा माटी पकड़ ले, 7 साल बैक कर ले, तो 7 साल के अंदर की जो भी गाड़ी होंगी मिल जाएगी, है ना भैया? ठीक है, 7-8 साल का वो होता है। अब मान लीजिए भैया कोई 4,00,000 की गाड़ी है, क्या डाउन पेमेंट देना पड़ेगा? 1,50,000 रुपये देना पड़ेगा। 1,50,000? ठीक है, 1,50,000, 1,20,000, 1,50,000 के बीच में दे दें। बाकी वो कस्टमर की प्रोफाइल कैसी है, भाई हर आदमी चाह रहा फाइनेंस हो जाए, लेकिन ITR भी बहुत ज़रूरी कर लिया गया है। ठीक है, ओके। बाकी किसान विसान है तो खतौनी लगा के ले सकता है, हो जाता है। बैंक का लेन देन ठीक हो, मान ली 5,000 पड़े हैं, 4-5 साल तक जो 6,000 नहीं हुए, उनका कैसे लोन होगा, कैसे होगा, सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, अब भैया हमने सारी डिटेल दी थी, फाइनेंस की डिटेल दी थी, लास्ट में अभी हम किस जगह खड़े हुए हैं इसकी डिटेल दी थी, और कॉल टाइम किस समय हमारे भाई कॉल करें तो अच्छे से हम डिटेल उनको देंगे गाड़ी का, वो बताएं। 10 के बाद से जो है रात के 10 बजे तक कर ले कॉल, और हम लोग खड़े हैं लखनऊ में फैजाबाद रोड पे, इंदिरा नगर, कैलाश पुर। ठीक है, एड्रेस डिस्प्ले हो रहा होगा, आपको बेझिझक आइए, पूरी डिटेल मिलेगी। ऐसे ही भैया कुछ हम दमदार कलेक्शन के साथ मिलते हैं। जी, जी, बाकी जी। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे क्लिक कर दिए, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको यूँ ही मिलती रहे। तब तक लिए कोरोना सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।